तो फाइनली भारत ने चाइना के पिछवाड़े पर एक और अटैक किया है और भारत का ये अटैक इतना भयानक है कि चाइना झेल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी की मौत को लेकर परेशान थी, ठीक उसी समय भारत ने अपने वॉरशिपों को चाइना के पिछवाड़े में उतार दिया है और एक बार फिर से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की चाइना को ताकत दिखा दी है और एक ही झटकी में साउथ चाइना सी से चाइना की दादागिरी खत्म कर दी है। और ये भारत की ताकत ही है जिसके दम पर फिलीपींस चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अब एक नहीं बल्कि तीन तीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर को इस बार भारत ने फिलीपींस भेजा है और साउथ चाइना सी में भारत की तरफ से एक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है। आप लोग खुद द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए कि इंडियन नेवी शिप्स इन फिलीपींस टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन। आपको बता दें कि इंडियन नेवी के द्वारा ये कदम ऐसे समय पर उठाए गए हैं जब कुछ समय पहले ही भारतीय नौसेना के C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्टर विमान फिलीपींस की धरती पर उतरे थे और इन्हीं C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की एक बड़ी शिपमेंट भेजी थी, जिसके बाद चाइना में हड़कंप मच गया था और चाइना भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से इस कदर डर गया था कि उसे इन ब्रह्मोस मिसाइलों की जासूसी करने के लिए अपने UAV मेल ड्रोनों को उतारना पड़ा था। और यही नहीं, फिलीपींस ने भी कई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा था कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने चाइना का जीना हराम कर दिया है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने फिलीपींस को एक बड़ा डिफेंस डूज दिया है, क्योंकि चाइना आए दिन पिछले काफी समय से साउथ चाइना सी में फिलीपींस को परेशान कर रहा था। कभी फिलीपींस नेवी के शिपों पर पानी से हमला कर रहा था और कभी फिलीपींस के वॉरशिपों का रास्ता रोका जा रहा था, लेकिन जब से भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस में पहुंची है तो चाइना इस कदर डर गया है कि अभी तक चाइना की तरफ से ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन भारत ने ब्रह्मोस के डिप्लॉयमेंट से भी बड़ा धमाका तो अब किया है और इस बार भारत ने अपने एक नहीं बल्कि तीन तीन वॉरशिपों को वहां भेजा है जहां पर चाइना सोच भी नहीं सकता था। और चाइना ने ये कभी नहीं सोचा था कि भारत ने बड़े पैमाने पर अपने एक नहीं बल्कि तीन तीन वॉरशिपों को साउथ चाइना सी में उतार देगा। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी ही वो एरिया है जिस पर चाइना ये दावा ठोकता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है और फिलीपींस और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो साउथ चाइना सी की वजह से ही है। ऐसे में फिलीपींस के अंदर भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर की डिप्लॉयमेंट सोए हुए ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के तीनों ही वॉरशिप फिलीपींस के साथ समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस पहुंचे हैं और भारत के इन वॉरशिपों में INS दिल्ली, INS सत्य और INS किल्टान है और इन तीनों ही वॉरशिपों का स्वागत फिलीपींस की नौसेना ने गर्म जोशी के साथ किया है। और फिलीपींस के अंदर भारतीय नौसेना का ये स्वागत देखकर ड्रैगन एक बार फिर से फड़फड़ाने लगा है, क्योंकि भारत के ये वॉरशिप साउथ चाइना सी के अंदर ही कई दिन तक तबाही मचाएंगे और भारत की तरफ से ये कोई मामूली एक्शन नहीं है बल्कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से चाइना मालदीव पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है और चाइना पर भारत के जोरदार आक्रमण कहीं ना कहीं चीन को चैन से सोने नहीं देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।